हेलो दोस्तों, फन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ वीडियोस अराउंड बहुत सारे टॉपिक्स। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत बिहाइंड द स्टोरी शेयर करती हूँ जर्मनी के बारे में। तो इंस्टाग्राम पे भी अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी करो, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ वो सारे स्टेप्स जो आपको पता होने चाहिए जब आप जर्मनी में पढ़ाई के लिए आने का सोच रहे हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में आपको जो बैकग्राउंड में नज़ारे दिखने वाले हैं वो है माइन रिवर के। तो जो फ्रैंकफर्ट है, आपने बहुत सुना भी होगा, फ्रैंकफर्ट आम माइन ऐसे भी कहते हैं, बिकॉज ये जो माइन रिवर है वो यहाँ पे है फ्रैंकफर्ट में। और अभी समर टाइम है और समर टाइम में तो माहौल इतना बढ़िया होता है, सारे लोग रिवर पे पास आ जाते हैं, पार्क्स में आते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं ये वाला माहौल। आप यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत देखोगे कि लोग बोट लेके कयाकिंग करते हैं या बोट में अपना जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, ऐसे सब माहौल होता है। तो अभी तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है जो बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि पढ़ाई करनी है हमें जर्मनी में, बट उसके लिए क्या क्या हमने कब स्टार्ट करनी चाहिए प्रोसेस। तो देखो, ये वीडियो में तो मैं आपको सारी प्रोसेस बताने वाली हूँ कि कौन सी स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ें करनी है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है ये स्टेप्स कब स्टार्ट करनी है। तो मिनिमम एक साल पहले से ही आपने ये प्रोसेस स्टार्ट करनी है, स्पेशली रिसर्च करना है, देन कोर्सेज फाइंड करने हैं। अगर प्रीरिक्विजिट्स कुछ है कि कुछ कोर्सेज के लिए तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लैंग्वेज अगर रिक्वायरमेंट होगी तो लैंग्वेज सीखने के लिए टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है, इसलिए मैं कहूँगी कि ये जो आगे के स्टेप्स सारे आपको पता लगने वाले हैं उसके ऊपर काम करने के लिए मिनिमम आपको एक साल पहले से ही स्टार्ट करनी होगी तैयारी। और फिर प्लान करना होगा कि इस साल के इस इंटेक में मैं जर्मनी के ये कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा सवाल ये ज़्यादा पूछा जाता है कि हमें कंसल्टेंसी बताओ या कोई ऐसी जगह बताओ जो हमें पूरा हेल्प करेगी सारी प्रोसेस कराने के लिए, सारा हमारा स्टडी वीज़ा लगाने में। तो देखो, पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जर्मनी में अगर आपको पढ़ाई करनी है ना तो आपको किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत ये मिसकंसेप्शन है इंडिया में, जो स्टूडेंट्स है या फॉर देट मैटर पेरेंट्स भी है, उनको लगता है कि बच्चे तो खुद से चीज़ें नहीं कर पाएंगे। बट ये जान लो, जर्मनी का स्टडी प्रोसेस जो है वो वन ऑफ द ईजिएस्ट है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अवेलेबल है। आपने बस वो प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी है, या अभी मैं जो आगे स्टेप्स बताने वाली हूँ वो बस फॉलो करनी है और आप ये सारी प्रोसेस खुद कर सकते हो। प्लीज़ कंसल्टेंट्स को लाखों रुपए देके अपना पैसा मत वेस्ट करो और अपना टाइम मत वेस्ट करो। ये एक मैं चीज़ ऑनेस्टली बताना चाहूँगी, स्पेशली आफ्टर टॉकिंग टू द स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपको आगे की वीडियोज़ में उनका मैं इंटरव्यू भी शेयर करूँगी कि कैसे उन्होंने खुद सारी प्रोसेस करी है और यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं। और एक चीज़ है कि ये जो मैं आगे स्टेप्स बताने वाली हूँ वो तो आपको हेल्पफुल होंगे, अगर आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप और मतलब असिस्टेंस चाहिए तो आई वुड रिकमेंड जो स्टडी इन जर्मनी का कोर्स है उसमें आपको सारी डिटेल्स पता लगेगी कि कौन सा आपका यू नो स्कोप अच्छा है, कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए, पिछले 5 साल तक कैसे रिकॉर्ड रहा है। तो ये सारा जो कोर्स है जो ऑलरेडी यहाँ पे जिन्होंने पढ़ाई करी है उन्होंने ही डिज़ाइन किया है, प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं इंस्टाग्राम पे जानती हूँ जिन्होंने ये कोर्स लिया है, एंड वो ऑलरेडी सारे एक ग्रुप में फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे ये लोग डिस्कस करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया है, SOP रेडी है क्या, उसका फॉर्मेट क्या है। तो एक अच्छा सा ऐसे ग्रुप भी तैयार हो जाता है आपको, यू नो जब आपका रिसर्च कर रहे हो तभी आपको बहुत सारे स्टूडेंट जो उसी इंटेंशन से सारी चीज़ें सर्च कर रहे हैं उनके कांटेक्ट भी हो जाएंगे, प्लस आपका SOP रिव्यू और ये सारा हेल्प भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो है मैं ऑनेस्टली आपको एक गाइडेंस की तरह बता सकती हूँ। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो क्या क्या कवर है उस प्रोसेस में, उस स्टडी में, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी एंड आपको शुरुआत से ही सारी हेल्प हो जाएगी। एटलीस्ट इट्स बेटर देन गिविंग लैक्स ऑफ रुपीज़ टू कंसल्टेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके कोर्स डिसाइड करना। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि चलो मेरे को जर्मनी में पढ़ाई करनी है, तो कोर्स डिसाइड करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपने पढ़ाई कौन सी करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बैचलर्स के लिए आ सकते हो, मास्टर्स के लिए आ सकते हो, PhD के लिए आ सकते हो, प्लस आप ड्यूअल स्टडी प्रोग्राम है उसके लिए भी आ सकते हो। अगर आपने बैचलर्स कर लिए तो आप सोच रहे हो कि मास्टर्स करनी है, तो चलो अगर आपने मास्टर्स करनी है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपने कोर्स डिसाइड करना है कि आपकी स्पेशलाइजेशन कौन सी है और उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कौन सा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा।
करूँगा, और आप कैसे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो या कौन सी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये सारी डिटेल्स ना dart.vde वेबसाइट जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दूंगी, उस पे भी सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो आपको अगर जर्मनी में पढ़ाई करनी है तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा कि कौन सा आपको कोर्स फाइनलाइज करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है। और कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए इसके भी बारे में मैंने बहुत बताया हुआ है। लास्ट वीडियो जो अपलोडेड है चैनल पे, उस पे मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप वो ज़रूर चेक करना। और अगर शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पे तीन तरीके की यूनिवर्सिटीज़ है। एक है यूनिवर्सिटी जहाँ पे बहुत थियोरेटिकल आपको पढ़ाया जाता है, एंड सेकेंड ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत मिलता है, आप पढ़ाई के साथ 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 में यहाँ पे काम भी कर सकते हो, सो यू गेट मोर प्रैक्टिकल एक्सपोजर। और तीसरा ऑप्शन होता है वो है यूनिवर्सिटी फॉर म्यूजिक आर्ट्स कल्चर, ये वाला ऑप्शन है। तो उसके हिसाब से आप चेक करना कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको इंटरेस्ट की है, और वो कैसे फाइंड आउट करनी है dart.vde वेबसाइट पे, वो भी आपको आराम से पता लग जाएगा। बस dart.vde वेबसाइट पे चले जाना और वहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी इनमें से यूनिवर्सिटी की कैटेगरी चाहिए, और उसके हिसाब से वो यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाएगी। तो पहला स्टेप हो गया, आपने कोर्स शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपको यूनिवर्सिटी भी पता लग गई। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का, हर कोर्स का जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो सारे डिफरेंट होते हैं। तो आपको एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी आपने फाइनलाइज करी है, मतलब ये भी बताना चाहूँगी, टॉप 5 यूनिवर्सिटी समझ के बस वो 5 यूनिवर्सिटी मत कंसिडर करना, अपने मार्क्स देखना कि आपको कितने हैं और क्या क्या उन यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीज़ें भी देखना और उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ फाइनल करना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस टॉप यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करते हैं बट उनका क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट होता है, आपका प्रोफाइल उस हिसाब से मैच नहीं करता और उस चक्कर में फिर रिजेक्शन मिल जाता है। तो ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो अच्छे से चेक करना हर यूनिवर्सिटी के क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस कोर्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके हिसाब से। इधर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को ये होता है कि चलो एटलीस्ट A1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए या IELTS सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको एक बार ये क्राइटेरिया पता लग गया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको IELTS एग्ज़ाम अगर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए प्रिपेयर करना होगा, उसकी एग्ज़ाम देनी होगी, फिर जाके उसका सर्टिफिकेशन आएगा। तो वो टाइम पीरियड भी आपको देखना होगा कि कितना टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए, कितना टाइम आपको IELTS की एग्ज़ाम देने के लिए चाहिए, फिर सर्टिफिकेशन कब आएगा। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये भी होता है कि जर्मन लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड होती है, तो वो भी चेक करना होगा कि आप जिस कोर्स पे अप्लाई कर रहे हो उसमें A1 सर्टिफिकेट चाहिए या तो फिर A2 चाहिए या B1 चाहिए, या कुछ ऐसे भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ जिसमें कोई भी जर्मन सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए उनको। आपको अगर सर्टिफिकेशन चाहिए A1 या A2 तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके हिसाब से आपको जर्मन A1 या A2 के क्लासेस लेने होंगे और उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम भी देनी होगी। तो A1 A2 के और फॉर दैट मैटर B1 के लिए भी मैंने बहुत सारे जो लिंक्स हैं पहले से भी शेयर करे हुए हैं, पर डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको 5,000 रुपीज़ में A1 लेवल करनी है, A2 करनी है, B1 करनी है, तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। और एग्ज़ाम जो है वो आप गोएथे इंस्टीट्यूट से दे सकते हो, और जो सर्टिफिकेशन है वो आप फिर सबमिट कर सकते हो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, या फिर जो यूनिवर्सिटी है उसके क्राइटेरिया में अगर लिखा होगा कि ये सर्टिफिकेशन भी आपको चाहिए लैंग्वेज का, देन यू ऑलरेडी हैव इट। और ये SOP LOR उसके लिए भी सारा जो प्रिपरेशन है वो भी आप उस दौरान सारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली थर्ड स्टेप इज टू प्रिपेयर योरसेल्फ एज पर द कोर्स रिक्वायरमेंट्स। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ टू प्रिपेयर योर फाइनेंसिस। तो देखो, अगर आपका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता है, मेन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ब्लॉक्ड अकाउंट। तो ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो आपको जो अमाउंट है वो साइड में रखना होता है, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट 10,300 यूरो के आसपास, विच मीन्स इंडियन अमाउंट में कुछ 9 से 10 लाख जो है वो आपको साइड में रखने होते हैं। जर्मनी आने से पहले ही आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना होता है जिसमें वो अमाउंट आपने डिपॉजिट करना होता है, एंड दैट इज़ बेसिकली टू शो कि जब आप जर्मनी आते हो तो आपके पास उतने फाइनेंस है कि आपका यहाँ पर मंथ का खर्चा निकल सकता है। तो इन शॉर्ट वो आपके लिए ही यूज़ होते हैं, बट आने से पहले ही आपको उतने फाइनेंसेस अरेंज करने होते हैं। ये बहुत सारे लोग जब जर्मनी के बारे में बात करते हैं कि एजुकेशन फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हाँ एजुकेशन फ्री है कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी में, वो भी सारे यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए नहीं क्योंकि बाडन-वुर्टेम्बर्ग जो स्टेट है वहाँ पे अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलता है फिर भी आपको वहाँ पे 1,500 यूरो के आसपास जो अमाउंट है वो पर सेमेस्टर पे करना होता है। तो अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलता है तो आपको ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी होती है, आपको बस सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन देना होता है जो कि 200 से 400 यूरो है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होते हैं उनको तो ट्यूशन फ़ी देनी होती है जो कि बड़ी अमाउंट होती है कंपेयर टू पब्लिक
यूनिवर्सिटी में, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी में वो ट्यूशन फी होती नहीं है. एंड बट जो ये ब्लॉक्ड अमाउंट है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, इसका आपको इंतजाम करना पड़ता है. तो अभी बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की. तो आपने पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ प्रिपरेशन हो गया है, तो फिफ्थ स्टेप है आपने आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करना है. तो इसके भी दो ऑप्शन है, इधर आप यूनि एसिस जो है उनके थ्रू कर सकते हो, या फिर जो आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल है वहाँ से भी डायरेक्टली आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो. और जैसे कि आपने पहली बारी मेरी वीडियोस देखी नहीं देखी आई एम नॉट श्योर, बट जर्मनी में दो इनटेक होते हैं, एक होता है समर इनटेक और एक होता है विंटर इनटेक. तो ये सारी जो डेट्स है वो आप जब रिसर्च कर रहे हो वो भी एकदम ध्यान से चेक करना, और वो जो डेडलाइंस है वो बिल्कुल मत मिस करना. जैसे ही स्लॉट ओपन हो जाते हैं तब से जल्दी से ही अपना एप्लीकेशन सबमिट करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिले कर देते हैं, टाइमलाइन मिस कर लेते हैं, तो फिर वो आपका जो इनटेक है वो मिस हो जाता है, फिर और आपको लंबा टाइम रुकना पड़ता है. तो इसलिए टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. शुरुआत में ही जब आप रिसर्च कर रहे हो ना तभी ऐसे अपना टारगेट बना देना, एक शेड्यूल बना लेना जिसमें आपको पता होगी कि ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इससे पहले मैंने ये प्रोसेस करनी है. तो एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया यूनिवर्सिटीज़ को तो फिर है टाइम इंतज़ार का, और इंतज़ार करना होता है कि यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाए. और जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाता है आपने करना है इमीडिएटली वीज़ा स्लॉट बुक स्टूडेंट वीज़ा के लिए, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में, स्पेशली आपको स्लॉट्स मिलने में बहुत लेट हो जाता है, और यू नो ये सारा बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है. मैंने बहुत सुना है स्टूडेंट से कि इतना टाइम लग जाता है वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलने में, और फिर वो डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करके वापस जब तक आता है वीज़ा, ये बहुत लंबी प्रोसेस है. तो इसलिए पहले ही जैसे ही आपको मेल आ जाता है ना कि यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस आ गया है, इमीडिएटली स्लॉट बुक कर दो, ताकि उतना थोड़ा सा आपको टाइम होगा सारे आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए फॉर वीज़ा एप्लीकेशन. तो जो भी चेकलिस्ट है जो मेंशन करी हुई है उसके हिसाब से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर दो, एंड देन यू आर रेडी टू गो फॉर द वीज़ा अपॉइंटमेंट. एंड जैसे ही वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो उसके बाद है वीज़ा आ जाता है आपका, उसके बाद आपने करनी है तैयारी नेक्स्ट चीज़ों की. और आपका वीज़ा आ जाता है तो आपकी शुरू हो जाती है जर्मनी आने की तैयारियां. और इस तैयारियों में एक चीज़ आपने नहीं भूलनी है, एंड दैट इज़ टू बुक योर अकोमोडेशन इवन बिफोर कमिंग टू जर्मनी, क्योंकि 7th पॉइंट जो है हमारा दैट इज़ टू बुक योर अकोमोडेशन. क्योंकि देखो जर्मनी में ना आपको आते ही बड़े ही आसानी से यहाँ पे मिनी जॉब मिल जाएगी, पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी स्टूडेंट्स को स्पेशली, बट घर जो मिलना है यहाँ पे है बहुत ही मुश्किल. तो आपने आने से पहले ही अपने यूनिवर्सिटी से चेक कर लो, जो आपके सीनियर्स हैं जो उस यूनिवर्सिटी से है या जिन्होंने साथ में ही एडमिशन लिया है उनके जो फेसबुक पे ग्रुप्स बने होंगे उनसे चेक करो कि क्या फैसिलिटीज़ है आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास, या फिर आप वेगे में रहना चाहते हो शेयरिंग बेसिस पे, तो वो भी सारे ऑप्शंस है. और वो अकोमोडेशन कैसे फाइंड करना है जर्मनी में उसके लिए भी मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. डायरेक्टली आपको वो वीडियो एक बार आप देख लोगे तो आपको सारी प्रोसेस भी पता लग जाएगी. एंड प्लीज़ आने से पहले ही एक अकोमोडेशन का कोई इंतज़ाम करना, ताकि यहाँ पे आने के बाद आपको एयरबीएनबी या ऐसे यू नो होटल्स में रहने की ज़रूरत ना पड़े. बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी वो जब जर्मनी मूव हो जाते हैं आने के बाद एक एक महीने कहीं पे फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, एयरबीएनबी में रह रहे हैं, और वो पूछते हैं कि मैं बर्लिन में हूँ या म्यूनिक में हूँ, और यहाँ पे इन बड़ी सिटीज़ में अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए मैं बहुत ये एम्फसाइज करूँगी कि आने से पहले ही अकोमोडेशन ढूंढना, और बहुत सारे स्कैम्स होते हैं इन चीज़ों का भी ध्यान रखना. वो वीडियो पक्का देखना, आपको बहुत सारी डिटेल्स पता लग जाएगी. नाउ एवरीथिंग इज रेडी, सो नाउ इट्स टाइम टू पैक योर बैग्स एंड बुक योर फ्लाइट्स टू जर्मनी. और यही है हमारा आखिरी स्टेप, 8th स्टेप, जो कि बुक योर फ्लाइट्स एंड अराइव इन जर्मनी. और उससे याद आया, आपको पैकिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता लगेगी मेरी पैकिंग लिस्ट वाली वीडियो में. उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई है कि क्या क्या सामान लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे पता लग जाएगी. प्लस यहाँ पे ना मैंने किस तरीके के शॉप्स होते हैं, उसमें कैसे सामान मिलता है, उसकी भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, जो कि जर्मनी का बिग बाज़ार ऐसे वाली एक वीडियो है, प्लस और भी 2-3 वीडियोज़ है जो कि शॉपिंग रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, कि आपने लैपटॉप लाना है क्या नहीं लाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं उन वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको वो भी ज़रूर हेल्पफुल रहेगी. एंड देन वंस यू अराइव हियर आपको लगेगी हेल्थ इंश्योरेंस. तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसके लिए भी मैं रेकमेंड करूंगी टीके इंश्योरेंस, जो कि इंग्लिश सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंड आई रियली ट्रस्ट इट. मैं इतने टाइम से यहाँ पर रह रही हूँ, आई हैव बीन यूजिंग टीके इंश्योरेंस, तो वो बहुत ही अच्छी है. उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे बस वो फॉर्म फिल करना है आपने एंड रजिस्टर करना है. तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन, ये रहे सारे 8 स्टेप्स जो
आपने फॉलो करने हैं अगर आपको जर्मनी में पढ़ाई करनी है तो, और सारी जो डिटेल्स है बाकी की मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स उसकी दे दी है, तो वो ज़रूर चेक करना। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करना। आपके जो बाकी के दोस्त है या जो फैमिली मेम्बर्स है जिनको, आपके कजिन्स या ऐसे कोई जिनको पढ़ाई के लिए जर्मनी आना है, तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना। आई होप उनके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगी। एंड सब्सक्राइब करना आपका चैनल फॉरेन की दुनिया। एंड मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ऑफ यू डज़ इन।